विज्ञान क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। विक्रम की बचपन से ही अनेक नए नए काम करने में रुचि रहती थी। वह अपने पिता अंबालाल साराभाई से अनेक विषयों पर प्रश्न पूछते रहते थे। विक्रम ऐसे ही खिलौनों से खेलना पसंद करते थे जिनमें विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होता हो। उनके पास एक छोटी छोटी पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी भी थी। विक्रम रेलगाड़ी से खेलने में काफी समय बिताते थे और रेलगाड़ी के इंजन की रचना का निरीक्षण भी करते थे। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन जब भी अहमदाबाद आते विक्रम के घर ही ठहरते थे। नन्हे विक्रम अपने पिता अंबालाल और सर रमन की विज्ञान संबंधी बातचीत और चर्चा ध्यान से सुनते। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर उन्हें विज्ञान विषय में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। स्कूल में भी विक्रम को विज्ञान विषय से सबसे अधिक लगाव था। विज्ञान की बात आते ही विक्रम खुश हो जाया करते थे। विक्रम का अध्ययन काल समाप्त हुआ। पिता उद्योगपति थे पर विक्रम की तो उद्योग में बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। वे भले और उनका विज्ञान भला। सर सीवी रमन की बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम की संस्था थी। विक्रम की विज्ञान विषय में गहरी रुचि होने के कारण उन्हें संस्था में सरलता से प्रवेश मिल गया। इस विज्ञान संस्था में विक्रम को बहुत मजा आता था क्योंकि दिन भर विज्ञान विषय पर ही बातें होती थी। विक्रम के लिए भला इससे बेहतर क्या हो सकता था? कभी वह अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग करते तो कभी सर रमन के साथ विविध मुद्दों पर चर्चा करते। सर सीवी रमन कभी कभी बाहर जाते तब डॉक्टर विक्रम को भी रास्ते में विचार विमर्श के लिए साथ ले जाते। मोटर गाड़ी चलती रहती और विज्ञान की चर्चा आगे बढ़ती रहती। डॉक्टर विक्रम मोटर चलाते और सर रमन विविध विज्ञान संबंधी बातें छेड़ते रहते। दोनों ही थोड़े धुनी थे। एक दिन ऐसे ही मोटर गाड़ी चलाते हुए जोर शोर से चर्चा करने में मग्न डॉक्टर विक्रम का ध्यान हट गया और उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। वह तो उन्होंने समय से ब्रेक लगा दिया और भाग्यवश दोनों बाल बाल बच गए। धीरे धीरे डॉक्टर विक्रम को अंतरिक्ष विज्ञान में भी रुचि होने लगी। उन्होंने मन में ठान लिया कि अंतरिक्ष विज्ञान में शोध करके वह अपने देश को इस क्षेत्र के अग्रसर देशों में शामिल करेंगे। अपनी लगन और मेहनत से डॉक्टर विक्रम साराभाई देखते ही देखते प्रख्यात वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने भारत के लिए रॉकेट बनाया और उसे अंतरिक्ष में भेजकर भारत में अंतरिक्ष युग की नींव डाली। डॉक्टर विक्रम ने अहमदाबाद में वीए साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की स्थापना की। वह चाहते थे कि बच्चे यहां अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करें और उन्हें विज्ञान के विषय में प्रयोग करने का प्रोत्साहन मिले। तमाम सुविधाओं वाला यह साइंस सेंटर अहमदाबाद के नवरंगपुरा विस्तार में गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित है। यहां डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा आकाश में भेजे गए रॉकेट का निचला हिस्सा और उसका खोल रखा गया है। असंख्य बालक रोज इसे देखने इस सेंटर में आते हैं और वैज्ञानिक प्रयोग भी करते हैं।